हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडल के व्लॉग्स। दोस्तों, आज बहुत समय बाद मैं आपको कुछ व्लॉग दिखाने जा रही हूँ। 7 to 8 मंथ्स हो गए थे मैं कंट्री में थी नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया गई थी कुछ काम के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग, मुझे पता है कि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे रहेंगे या आप मेरे लिए वेट कर रहे रहेंगे, बट आज मैं कुछ नया दिखाने जा रही हूँ जिसमें आप कम से कम 40 to 50,000 तक आप कमा सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या दिखाने वाले आपको। ओके दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं इमिटेशन ज्वेलरी जो हम घर बैठ के कमा सकते हैं। कुछ हाउसवाइफ होती है या कोई मेल रहता है जिसको आर्ट की, डिज़ाइन की बहुत नॉलेज रहती है। सबके पास ऐसी नॉलेज नहीं रहती है। अब 2018 का फैशन क्या चल रहा है ये सब हमें कुछ भी पता नहीं है, राइट? तो ये फैशन को जानने के लिए आपको ये इमिटेशन ज्वेलरी, आजकल लोगों को बहुत शौक होता है कान में कुछ पहनना है, गले में कुछ पहनना है, कुछ नया नया, लेटेस्ट समथिंग न्यू विच दे वॉन्ट टू वेयर, विच दे वॉन्ट टू शो ऑफ, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके, सो आप जब ये सब पहनते हो, आप बाय करते हो, तो ये आपको किस तरह से लेना है आपको और कहाँ से लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करने के लिए ये चीज़ करने जाएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। सेकेंडली, आपको इंसान चाहिए, मैन पावर इज मस्ट इन दिस। ओके, इसमें आप बोलेंगे कि दो इंसान आएंगे और करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग न करते हुए आप सिंपल किसी होलसेल मार्केट में जाइए और जितने भी स्टफ्स आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट फैशन क्या है, तो वो लेटेस्ट फैशन के हिसाब से आपको सब बाय करना है। जैसे कि इयररिंग्स के लिए आपको कौन से डिज़ाइन चाहिए, नेकलेस के लिए क्या डिज़ाइन चाहिए, ब्रेसलेट्स के लिए क्या डिज़ाइन चाहिए, इट डिपेंड्स आप क्या कैसे पहनते हैं करके। तो पहले आप होलसेल मार्केट में जाएँ, चेक कीजिए। बॉम्बे में तो बहुत सारे होलसेल मार्केट है, जैसे आप कालबा देवी जा सकते हो, कालबा देवी में एक मार्केट है, मस्जिद मंदिर में एक मार्केट है, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो और फिर उसको आप अपने दिमाग से, अपने इस्तेमाल से किस तरह से उसे बनाना चाहिए। होलसेल मार्केट ये आपको कहाँ पे कैसे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको अगर बॉम्बे जाना है, आप बॉम्बे में बेस्ड हो, तो आपको बॉम्बे में आप ऐसे बोलेंगे किसी भी होलसेल मार्केट में चले गए और बोले कि नहीं मुझे ये सब चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं मिलता है, राइट? आप मार्केट में जाइए, होलसेल मार्केट में आप बात कीजिए उनके लिए, खुद के ब्रांड का, खुद के प्रोडक्ट का, खुद की आर्ट का एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर अभी आपको, पहले कैसे था, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है हमारे पास, तो हमें सेल करने की, बैनर लगाने की ये सब ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आपके पास बहुत सारे अकाउंट रहेंगे, सोशल मीडिया तो बहुत है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, देन इंस्टाग्राम है, ऐसे अपने पास बहुत सारे वेबसाइट्स है, सब पे लॉन्च कीजिए। आजकल तो सारे वेबसाइट्स पे हर एक इंसान अपना प्रोडक्ट सेल करता है, चाहे वो कोई छोटा हो या चाहे बड़ा हो। अब जैसे आप लोगों के पास सोशल मीडिया का अकाउंट है, मेरे पास सोशल मीडिया का अकाउंट है, पर जिसके पास नहीं है सोशल मीडिया का अकाउंट, वो इंसान क्या करेगा? तो सिंपल, हम लोग जो पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में करते थे, माउथ पब्लिसिटी, लोगों को बताना, पर्सन टू पर्सन जाके मिलना, उनको बोलना मेरे पास ये है, वॉट एवर यू हैव, आप बता सकते हो कि मेरे पास ये आइटम्स है, मैं ऐसे ऐसे चीज़ बेच रहा हूँ या मैं ऐसे ऐसे चीज़ बेच रही हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि आप होलसेल वाले पर्सन के साथ किस तरह से बात करोगे। आप डायरेक्ट जाओगे और मुझे, आप वो पर्सन होलसेल वाले पर्सन को बोलेंगे मुझे एक सैंपल चाहिए, आपको कोई सैंपल देगा नहीं। पहली बात, होलसेल वाले कभी सैंपल नहीं देते, आपको उनको ऑर्डर देना पड़ता है, वो बल्क में ही माल देते हैं। ये सब नॉर्मल इंसान को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है। सिंपल जाने का, होलसेल वाले पर्सन से बात करने का, उनको बोलने का कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, मैं आपके पास इतना इतना पर्टिकुलर चीज़ बाय करूँगा, इतनी क्वान्टिटी बाय करूँगा, तभी ही वो आपको सैंपल देगा, अदरवाइज वो पर्सन आपको सैंपल नहीं देगा। तो आप बिंदास जाइए, नॉर्मली जाइए, कैजुअली बात कीजिए, 10 बायर से 10 लोगों के पास जाइए, होलसेलर के पास, और 10 सैंपल्स उठाइए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। आप अगर आप किसी होलसेलर के पास जाते हो और आप कोई भी पर्टिकुलर सामान, कोई भी माल बाय करते हो और वो आप बल्क में बाय करते हो, 10,000 की क्वांटिटी अगर आपने बाय की है होलसेलर के पास और वो आपको 10,000 की क्वांटिटी में भी 50 रुपीज़ में मिल रही है या 60 रुपीज़ में मिल रही है, इट डिपेंड्स कि आप होलसेलर से आप किस तरह से बात करते हो करके, ठीक है? वो आपको जो भी पर्टिकुलर अमाउंट की क्वांटिटी देगा, आप उसे लेके आइए, पर्सन ढूंढिए, आपको कहाँ बेचना है। अभी आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन रहेगी, इतनी तो नॉलेज किसी भी इंसान के पास रहेगी कि किसके पास जाके बेचना है। ज्वेलरी है तो आपको ऑब्वियस ज्वेलरी के शोरूम में या किसी इंटीमेशन के शोरूम में, जहाँ पे ऐसा सब बिका जाता है, फेस्टिवल्स के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बेचना है इसको। तो आप जब बेचते हो तो ये सारा आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना पर्टिकुलर अमाउंट में आप कमाते हो। आप मे बी 50 रुपीज़ का आपने खरीदा है, आप 100 में बेचो, 150 में बेचो, 200 में, इट्स ऑल अप टू यू, लाइक हाउ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, इट्स ऑल अपॉन यू। ओके,
एंड इसमें कम से कम आप नहीं करके भी 40 to 50,000 आप आराम से कमा सकते हो, बट थोड़े से हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं। आप सोचेंगे घर बैठ के हाँ मैं कमा सकता हूँ या मैं कमा सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू हार्ड वर्किंग सो दैट यू कैन अर्न अ गुड पर्टिकुलर अमाउंट एंड यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट ऑल्सो, राइट। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको जो आगे अभी जो भी सारी डिटेल्स बताई है, ये मैंने बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है आपके बिजनेस में, आपको शायद कहीं ना कहीं ये हेल्प हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आप किस तरह से बिजनेस बढ़ा सकते हो, किसी लोगों को पता नहीं रहता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। बहुत टाइम बाद मैंने कुछ बनाया था तो सोचा आपके लिए थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसमें। अगले वीडियो में बहुत कुछ नया लेके आने वाली हूँ, नए नए बिजनेस किस तरह से किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब ZLK व्लॉग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।